जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बीपीएनएल रिक्रूटमेंट 2023 की अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि आपको भारतीय पशुपालन नगर निगम लिमिटेड का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, टोटल 3,444 पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन आउट किया गया है और आप सभी फ्रेंड्स यहां पर 5 जुलाई 2023 तक आवेदन कर पाएंगे। यहां पर आप सभी 18 से 40 साल तक आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, आप सभी ने यदि 10th क्लास केवल यदि आपने 10th क्लास पास आउट की हुई है तो आप सभी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि बात करेंगे आपके यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इस भर्ती डिटेल में क्वालिफिकेशन चेकआउट करना चाहते हैं या आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक को प्रोवाइड करा दिया गया है, जहां से आप इस भर्ती डिटेल में क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, भर्ती डिटेल में क्वालिफिकेशन चेकआउट करने के बाद आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन लिंक। यदि आपका कोई डाउट बचता है तो आप यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको अप्लाई ऑनलाइन पर आप सभी को क्लिक करना है। जैसे आप सभी अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आप सभी आ जाएंगे भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आपको इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जॉब टाइप के बारे में सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपकी जो पोस्ट है वो आपकी सर्वे प्रभारी की पोस्ट है, दूसरी आपकी सर्वेयर की पोस्ट है। जो आपकी सर्वे प्रभारी की पोस्ट है ये आपकी 12th पास है और सर्वेयर की पोस्ट आपकी 10th पास रहने वाली है। तो आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर पोस्ट अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पर क्वालिफिकेशन और आपकी एप्लीकेशन फीस क्या है वो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पर अपना नाम एंटर करना होगा। जो भी आपका नाम है आप सभी अपने पर नाम एंटर कर देंगे। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर फादर नेम आप सभी को एंटर कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको अपने जो पिताजी का मोबाइल नंबर है वो आप सभी को एंटर करना है। यदि आपके पास आपके पिताजी के पास मोबाइल आपके पिताजी नहीं रखते हैं तो आप सभी क्या करेंगे, आप अपने भाई का, बड़े भाई का या किसी साथ के लड़के का यहाँ पर नंबर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, आप सभी अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सभी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर चलिए मैं डेमो के रूप में डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यहाँ पर एक ईमेल आईडी मेंशन करनी होगी। ईमेल आईडी को मेंशन करने के बाद आप सभी को अपने यहाँ पर एड्रेस मेंशन करना है। फ्रेंड, जो भी आपका एड्रेस है आप सभी अपने यहाँ पर एड्रेस मेंशन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एड्रेस में आप सभी को सबसे पहले यदि आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपको अपने यहाँ पर गांव का नाम लिखना होगा। इसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, इसके बाद फ्रेंड्स आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आप सभी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट का नाम है। इसके बाद आप सभी अपने यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है वो आप सभी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका तहसील क्या, तहसील सिलेक्ट करेंगे। आप अपने यहाँ पर ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप सभी को अपने एरिया का यहाँ पर पिन कोड एंटर कर देना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर कंप्लीट जानकारी देने के बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने फोटो को अपलोड करना होगा। जो आपके फोटो का साइज रहना चाहिए वो आपका मैक्सिमम 100 KB के बीच रहना चाहिए, नहीं 100 KB से कम ही रहना चाहिए, 100 KB से अधिक नहीं रहना चाहिए। इसके लिए फ्रेंड्स, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर चूज फाइल पर आप सभी को क्लिक करना होगा। जैसे आप सभी चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप सभी रिडायरेक्ट हो जाएंगे, आपने जहाँ भी आपकी जो भी आपकी गैलरी है उसमें आप सभी रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहां से फ्रेंड्स आप सभी क्या करेंगे, आपका जो भी फोटो है वो आप अपने पासपोर्ट साइज फोटो को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप सभी को यहाँ पर आपका जो फोटो है वो आप सभी को देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो आप सभी को अपलोड करना होगा। आपका जो भी सिग्नेचर है वो आप सभी अपने फाइल मैनेजर यानी गैलरी में जाकर आप अपने सिग्नेचर को देख लेंगे और सिग्नेचर को आप सभी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। देखिए फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पर सिग्नेचर आप सभी अपलोड कर देते तो आपको यहाँ पर फाइल का नाम साइड में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन है वो आप रीड आउट करना चाहो तो यहाँ पर साइड में क्लिक करने के बाद उनको रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पर आप जैसे टर्म एंड कंडीशन पर आप क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने जो इनकी टर्म एंड कंडीशन है वो आप सभी के सामने नजर आ जाएंगी। साथ ही आपको यहाँ पर भर्ती से रिलेटेड डिटेल जानकारी भी देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप सभी को क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है। आपको सभी टर्म एंड कंडीशंस को आपको एग्री कर लेना है और उसके बाद आप सभी को यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सभी नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे
तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म काइंडली कंफर्म योर डिटेल्स, यानी कि आप सबको एक बार चेक कर लेना है कि आपने जो भी यहाँ पर जानकारी फिलअप की है कोई तो आपने गलत जानकारी फिलअप नहीं कर दिया है। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर थोड़ा सा आपके यहाँ पर टाइम लगेगा, आपका रिडायरेक्ट होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को क्या करना है, जो भी आप अपने मोबाइल नंबर आपने वहाँ पर एंटर किया था फॉर्म को फिल करते समय, उस पर आप सभी का एक ओटीपी आ चुका होगा। फ्रेंड्स आप सभी क्या करेंगे, उस ओटीपी को फ्रेंड्स आप सभी यहां पर मेंशन कर देंगे। जो आपका ओटीपी होगा वो आपका 4 डिजिट का होगा। उस ओटीपी को यहां पर मेंशन करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप सभी नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर वेट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप सभी को अपने पर फी का पेमेंट आपको करना होगा। देखिए फ्रेंड्स जो आप सभी यहाँ पर फी का पेमेंट करेंगे आपका अपने यहाँ पर फोन पे के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए के कार्ड के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, वॉलेट के माध्यम से, आप जैसे भी फी का पेमेंट करना चाहो अपने फी का पेमेंट कर सकते हैं। आप सभी को क्या करना होगा, आप सभी को यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो आप अपने यहाँ पर कार्ड नेम डालेंगे, एक्सपायर डेट डालेंगे, सीवीवी नंबर डालेंगे और आप सभी यहाँ पर पे कर देंगे। जैसे ही फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर फी का पेमेंट कर देते हो तो आपका जो फाइनल जो आपका फॉर्म है वो फाइनली आप सभी का सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आप सभी अपने फॉर्म का आप सभी प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड जैसे आप सभी का इस भर्ती का एडमिट कार्ड जारी होगा तो मैं आप सभी को चैनल पर अपडेट कर दूंगा वीडियो बना करें। तो आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस भर्ती के एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। आज की वीडियो ये आपको कैसी लगी यह भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।